पंद्रहवां दिन पवित्र परिवार नाजरत में। वहां वो नाजरत नामक नगर में जा बसा। संत मत्ती अध्याय 2 पद संख्या 23। अब राजा हेरोद बूढ़ा हो चुका था, उसका शरीर क्षीण हो गया था, आंखों की रोशनी कमजोर हो गई थी, वह मृत्यु शैया पर पड़ा था। उधर मिस्र देश में पवित्र परिवार शांति पूर्वक समय व्यतीत कर रहा था। मिस्री लोग उन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। हेरोद की मृत्यु के बाद प्रभु का दूत योसेफ को स्वप्न में दिखाई दिया और बोला, उठिए, बालक और उसकी माता को लेकर इसराइल देश चले जाइए, क्योंकि वे जो बालक के प्राण लेना चाहते थे मर चुके हैं। संत मत्ती अध्याय 2 पद संख्या 20। योसेफ उठा और येसु तथा मरिया के साथ खुशी मन से स्वदेश की यात्रा पर निकल पड़ा। पवित्र परिवार इसराइल देश चला गया। उसने सुना कि अर्खेलोस अपने पिता के स्थान पर यहूदिया में राज्य कर रहा है, जो अपने पिता से किसी भी बात में कम नहीं है। अतः सुरक्षा की दृष्टि से योसेफ परिवार सहित गलीली के नाजरत नगर में जा बसा। इस प्रकार नबियों का यह कथन पूरा हुआ, यह नाजरी कहलाएगा। संत मत्ती अध्याय 2 पद संख्या 23। नाजरत में योसेफ ने अपना बढ़ई का कारोबार प्रारंभ किया। उसी बढ़ई नाम से वे चारों ओर प्रसिद्ध थे। तरुण येसु अब करीब 10 वर्ष का था। वह मरिया और योसेफ के कार्यों में सहायता करता था। योसेफ के समान मरिया भी घर गृहस्थी का सारा कार्य स्वयं अपने हाथों से करती थी। इस छोटे से परिवार का जीवन अत्यंत सादा, सरल, सुंदर और आदर्श था। आज के दीनहीन श्रमजीवियों और अमीरों को नाजरत के इस परिवार से अच्छा पाठ मिल सकता है। उन्हें कार्य करने में कोई लज्जा या अपमान नहीं महसूस होता था। उनके सादे सरल जीवन से वे संतुष्ट रहते थे। इस आंतरिक शांति का प्रधान कारण यह था कि वे लोग सांसारिक अभावों से मुंह मोड़कर परमात्मा के ध्यान में मग्न रहते थे। इसलिए इन्हें किसी वस्तु का अभाव नाम मात्र के लिए भी नहीं खटकता था। परमात्मा से ही जब संयोग हो तो फिर कौन सी कामना शेष रह जाती है। स्वर्गीय पिता ने पवित्र परिवार के द्वारा हमें जीवन का आदर्श नमूना दिखाया है। निरंतर प्रार्थना करें कि हमारा परिवार नाजरत के परिवार के समान बने, जहां प्यार, प्रसन्नता एवं शांति का राज्य हो। परिवार की जिम्मेदारियों को पवित्रता पूर्वक निभा सकें, सदा खुश रहें और दूसरों को भी खुशी बांटने में सफल रहें। माता मरिया हमारी सहायता करें। दृष्टांत: संत फ्रांसिस्का रोम शहर की एक धनी एवं संपन्न परिवार की महिला थी। उसका जन्म सन 1384 ईस्वी में हुआ था। वह ईश्वर की सेवा में स्वयं को समर्पित करना चाहती थी, लेकिन उसे अपने माता पिता के दबाव के कारण एक अमीर पुरुष के साथ विवाह करना पड़ा। फ्रांसिस्का 40 वर्षों तक एक आदर्श जीवन व्यतीत करती रही। वह सदैव उपवास रखती तथा अपना समय गृह कार्य तथा प्रार्थना करने में व्यतीत करती। उसका कथन था कि विवाहित स्त्रियां सदैव ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करें तथा अपने दैनिक कार्य में
लगे रहते हुए ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करें। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु वह प्रतिदिन पवित्र जीवन जीने का प्रयास करती थी। उन्हीं दिनों रोम शहर पर शत्रुओं ने आक्रमण किया, परंतु ईश्वर की कृपा से शत्रु शहर छोड़कर लौट गए। फ्रांसिस्का ने ईश्वर को धन्यवाद दिया तथा कृतज्ञता की भावना से प्रेरित होकर एक मठ कॉन्वेंट का निर्माण करवाया। दुर्भाग्यवश उसके पति का स्वर्गवास हो गया। तदनंतर फ्रांसिस्का ने उसी मठ में प्रवेश किया तथा अपनी पूर्व इच्छानुसार धर्म बहन का व्रत धारण कर लिया। वह लगभग 16 वर्षों तक कठिन तपस्या एवं प्रार्थना में लगी रही। सन 1440 में वह स्वर्ग सिधार गई। हम अपने घर का सब कार्य उचित रीति से संचालन करें तथा अपने कर्तव्यों का भली भांति पालन करें। पूर्ण सफलता पाने हेतु माता मरिया एवं संत फ्रांसिस्का से निरंतर प्रार्थना करें। अभ्यास, अपना कार्य स्वयं करें तथा सब कार्य ईश्वर की महिमा के लिए करें। प्रार्थना, हे धन्य कुमारी मरिया, दीनता, नम्रता एवं पवित्रता के आदर्श अहम, स्वार्थ एवं आलस्य से हमारी रक्षा कर। हम में शुभ कार्य करने की लगन उत्पन्न कर, हम उन्हें निष्ठापूर्वक कर सकें। हमें कृपा दिला कि हम अपना जीवन ईश्वर की सेवा में तथा सब कार्य उसकी महिमा के लिए कर सकें। आमीन।